तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग के लिए। जो भी सामान वगैरह आएंगे वो सब अभी लाने के लिए जा रहे हैं। और आज हाँ आज पहला रमज़ान है और आज धूप भी हो गई है। दिन बाद बाहर अच्छा पता नहीं था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं आ रहा था। हाँ मैंने बताया अपने ब्लॉग में क्या यह पावर टॉप स्टेशन है। और आज पता आज पहला रमज़ान है और आज आप देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब रमज़ान का जो इम्तिहान है वो स्टार्ट हो चुका है। नहीं तो कल तक मौसम बहुत अच्छा था, कल तक मौसम बहुत अच्छा था लेकिन आज से रमज़ान स्टार्ट है तो इम्तिहान भी जारी। हम लोग जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह वही इम्तिहान लेते हैं इस तरह से कि कितना रोज़ा उनको लग रहा है और कितना बर्दाश्त करने का क्षमता है उसके अंदर। क्या लगता है एक बार नहीं स्टार्ट होगी इतने दिन से लगे? क्यों नहीं स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। हो गई टमाटर लेना है क्या? टमाटर है बैगन ले लीजिए। जितना तौल दिए ना महाराज आपको लगे एक ब्लॉक वाले के लिए ज्यादा हो रहा है। बैगन चाहिए हंसने वाली कोई बात नहीं। देखिए भाई नहीं मतलब देखिए आगे में टांगना मुझे कुछ समझ नहीं आता है, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत अनकंफर्टेबल है। सब बटोर लेंगे ऐसा ऐसा रेट बढ़ा है आधे किलो बस भाई एक पौधे दो बारह के दो बारह के दो बारह में तीन लगाओगे वाह 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 वाह। भाई जब 15 के तीन होते हैं रमजान में अच्छी बहुत महंगी होती है लेकिन रमजान में बरकत भी होती है बहुत बहुत बरकत है। मूली हो गया और हाँ दे दीजिए अभी कहाँ जाएंगे? बैंगन नहीं बनेगा हम बैंगन नहीं खाते। आप नहीं खाते पापा खाते हैं ना? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी से रोजा लगना स्टार्ट हो गया देखो हमको तो नहीं लग रहा हमको लग रहा है। अच्छा लगा तो दिखा रहे हैं।
3 किलो राइस रबड़ी 100 का है। देखो देखो 20 किलो 100 आपको लेना है अंदर मिले 1 किलो 54। बाप रे बाप, डेली यही काम करते फिर भी आपका मतलब सही नहीं हिसाब। 50 से 40 कितना हुआ? 4 4 8। शॉट छूट गया हां क्या विचार को रमजान में नहीं मारा जाता। बताओ तो कौन बैग में ये सब डालता है? ये आप देख सकते हैं। मैं डालता हूं मैं। हां फिर से बड़ी इट्स मी सैयद साहब अली सब डाल ठीक है वो सब जानते हैं आप। एक ऑरेंज जाते हैं वो बड़ा बड़ा गोल गोल अच्छा नहीं लगता। रात का कोई भी झमेला नहीं रहता है तो
अजान होने से पहले रात का खाना और इफ्तार सब बनाना है, तो बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए अभी डायरेक्ट मैं जा रही हूँ, मुझे आप लोगों